तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड 13 के डिवाइसेस की लिस्ट बताने वाला हूं कि यहां पे कौन कौन से शाओमी के ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें एंड्रॉयड 13 का अपडेट हमें फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको उन सारे डिवाइसेस के नाम यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक बात पता है, MIUI 13 Android 12 के अपडेट्स Xiaomi के डिवाइसेस में रोलिंग आउट होने शुरू हो चुके हैं। Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Mi 11X, Poco F3, Poco X3 Pro, Mi 11 Lite 5G और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें MIUI 13 Android 12 के अपडेट्स रिलीज कर दिए गए हैं। तो आज यहाँ पे Android 13 के एलिजिबल डिवाइसेस की लिस्ट सामने निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ पे Xiaomi डिवाइसेस डेट विल गेट Android 13। तो यहाँ पे सबसे पहला डिवाइस Mi 10s, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11x, Mi 11x Pro, Xiaomi 11i, 11i Hypercharge, Xiaomi 11t, 11t Pro, Mi 11 Lite 4G, 5G Lite and 5G। तो इसके बाद Xiaomi 12 सीरीज, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12x, Xiaomi 12x Pro, और Xiaomi का Mi Mix 4, Mi Mix फोल्ड, और इसके बाद Xiaomi CV, Xiaomi CV S, इसके बाद Xiaomi Pad 5 सीरीज जो चाइना में लॉन्च हो गई है। इंडिया में भी आपको पता है Xiaomi Pad 5 लॉन्च होने वाला है। तो इसके बाद अगला है Redmi सीरीज, जो इनको MIUI 13 देखने के लिए मिलेगा, वो है Redmi 10, Redmi 10 Prime, Redmi 10 2022, Redmi 10 Prime 2022, Redmi 10 5G, Redmi 10 Prime Plus 5G, Redmi 10C, Redmi 10 India, Redmi Note 10, Note 10s, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max और Note 10 Pro 5G, Note 10T, Note 10 5G जो इंडिया में Poco M3 Pro 5G के नाम से है, Redmi Note 11, 11 NFC, 11S, 11 Pro, 11 Pro 4G, 11 Pro 5G, Pro Plus 5G, 11 Pro, Note 11 Pro Plus, Note 11 E Pro, Note 11T, Note 11 5G, Note 11 4G, K40 Pro, K40, K40 Pro Plus, K40 Gaming, K40S, K50, K50 Pro और K50 Gaming। और इसके बाद Poco सीरीज़ की बात करें जिनमें Android 13 देखने के लिए मिलेगा, उनका नाम है Poco F3, Poco F3 GT, Poco X3, X3 GT, X3 Pro, F4, F4 Pro, F4 GT, M3 Pro 5G, M4 Pro 5G, M4 Pro 4G, M4 5G और C4। तो यहाँ पे अभी के लिए इन डिवाइसेस में तो कंफर्म है कि इनको एंड्रॉयड 13 देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, और इसके बाद डिवाइसेस डेट में गेट एंड्रॉयड 13। और ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जिनमें एंड्रॉयड 13 का अपडेट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, उनका नाम है K30 Pro, K30 Zoom Edition, K30 S Ultra, इंडिया में Mi 20 Pro है, Poco F2 Pro हो गया, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra हो गए, Mi 10T, Mi 10T Pro और इसके बाद Redmi Note 8 2021। और इसके बाद यहाँ पे कंफर्म डिवाइसेस जिनमें एंड्रॉयड 13 हमें देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा, Redmi 9, 9 Prime, 9T, 9 Power, Note 9 सीरीज, पूरी की पूरी Note 9 सीरीज है, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9 4G, 5G, 90 5G, Note 9 Pro 5G, K30 4G, K30 Ultra, K30 i 5G, K30 Racing, Poco X3, X3 NFC, X2, M2, M2 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Year Edition और Mi Note 10 Lite। तो यहाँ पे इन डिवाइसेस में एंड्रॉयड 13 कभी भी नहीं मिलेगा, इनमें हमें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और इसके ऊपर मैंने आपको जो भी नाम बताए हैं उनमें कंफर्म हमें देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे बाइटी चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।